हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लैक पेंथर वाकांडा फॉर तो इस फिल्म का जो इंग्लिश और हिंदी वर्जन है वो कौन से सैटेलाइट चैनल कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर चर्चा करके देने वाला हूँ साथ ही मैं इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत करेंगे फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के साथ साथ फिल्म का एक प्रॉपर एक होने वाला एम सी यूनिवर्स के ऊपर तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्लैक पेंथर वाकांडा फॉर ये एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहां पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में इससे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं फिल्म है और जो फेज फोर आ रहे है एम सी यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टैनली और जेक किरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्लेयर रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पर इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्रोडिक्शन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इज स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटी या ब्रिगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा गुरी का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिंग थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स -री और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा इस फिल्म में ए वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के दौरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पर इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड के रोज का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट हैं एंजेला बसेट भी आपको रामुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे पांकोले डोरो स्टील टेनिस पानी una rule वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निक ल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमेटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर्क कपाव ने किए हुए एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 11 नवम्बर 2022 को यूएस में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अट्ठारह फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज़ हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज़ हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग दो और अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म काफी की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांट्रा थ्रिल्थ स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर एवर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रोड़, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह तो से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवंबर दो नवंबर दो में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पर बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका हुआ नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और ट्रांस देखने को मिलते उसको काफी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म की ट्विस्ट और ट्रांस और जो थ्रिलिंग मूवमेंट है उसको और भी चार चांद लगाते हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफी हाई लेवल पर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमैक्स में छोड़ा हुआ इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहाँ से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए थे जिसमें जो वी है जो ग्राफिक्स है जो सीजें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो आर्टिस्ट और टांस देखने को मिलते है कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से एड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली ऐड हुई है तो इस वजह से ये सभी काफ़ी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वेल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वॉल्ट डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में इससे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं फिल्म है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यू यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यू यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक किरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्ले रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्लेडिक्शन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटी या ब्रीगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डने कंगूरी का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विंस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बान ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड के रोज का प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे बाज स्टील टेनिस पानी अपना रोल वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है ये फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमाटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर्क ने की हुई एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लुडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड डिज स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू एस सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहां पर इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहां पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था ग्यारह नवम्बर दो को यू में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज़ किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग दो और अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी जी आई उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकंडा फोरेवर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी -लो सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रोड प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह तो से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ब वर्जन थे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवम्बर दो नवंबर दो हज़ार में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका करता नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पर इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्नस देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और टर्न और जो थ्रिलिंग मूवमेंट थे उसको और भी चार चांद लगाते हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहां से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुई थी जिसमें जो वी है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और डांस देखने को मिलते कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई है तो इस वजह से ये सभी काफी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉरेवर ये एक दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में इससे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक किरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्लेयर रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्लेयर डरेक्शन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है ये हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटिलिया ब्रिगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डनेंगीगा देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विंस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवर्ड केअरो का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और हुए नजर आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एमसीवर्स का हिस्सा है फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म क्रॉस ओवर करते हुए नजर आएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एमसीवर्स के कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कहानी को काफी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमेटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर पाव ने किए हुए एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लुडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 11 नंबर 2022 को यूएस में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स इफेक्स ए सी जी आई उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन है वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर एवर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लो लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज़ की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रोड़, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह तो से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सितंबर 2021 में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवंबर दो नवंबर दो में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पर बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से अब करता हुआ नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ राइट्स है वो डिजनी प्लस होटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह सभी चीजों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और ट्रांस देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और टंस और जो थ्रिलिंग मूवमेंट थे

डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से एक क्रिएट किए हुए थी जिसमें जो वी एफ है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टांस देखने को मिलते हैं कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई तो इस वजह से ये सभी चीजें काफी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वेल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में इससे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं फिल्म है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यू यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यू यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रैन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली स्टैंडली और जेक किरबी की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्ले रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्रोडिक्सन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटिल या ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डनेकुरी का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड के रोज का प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे बाज स्टील टेनिस पानी अपना रोल वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज़ करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है ये फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमाटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आरक पाओ ने किए हुई एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने की हुई फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लुडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू एस सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 11 नवंबर 2022 हजार बाईस को यू एस में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पर सिकवल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांटा थ्रिल्स स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उन्तीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रोडप्रॉस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कम्पोज़ करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवम्बर दो हज़ार नवंबर दो में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका करतावन नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी विजुअल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टार स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्नस देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म की ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मूवमेंट है उसको और भी चार चांद लगाते फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहां से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से एक क्रिएट किए हुए थे जिसमें जो वी है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और डांस देखने को मिलते कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफी बढ़िया तरीके से ऐड किए हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई है तो इस वजह से ये सभी चीज़ें काफ़ी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाकांडा फॉर एवर ये एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में इससे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यू यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यू यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक किरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्लेयर रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्रेडिक्शन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इज स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटी लेटिलीगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हर्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवर्ड रोज का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट हैं एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे पांकोले डोरो स्टील टेनिस पानी अपना रोल वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है ये फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमाटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर्क ने किए हुई एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर दो सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को छब्बीस अक्टूबर दो को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था ग्यारह नंबर दो को यू में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज़ हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग दो और अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांटा थ्रिल्थ स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर एवर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रोड़, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह तो से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सितंबर 2021 में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवम्बर दो नवंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पर बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से अपकर्ता हुआ नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी बढ़िया रिस्पांस मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजुअल इफेक्ट के साथ साथ, साथ फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह से सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको और भी चार चांद लगाते फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाज़ा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहाँ से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए थे जिसमें जो वी एफ एक्स है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से एड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई है तो इस वजह से ये सभी काफी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वॉल्ट डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यू यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यू यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक किरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्लेयर रायन कुगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कुगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्ले डन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है ये हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटिलीगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डने गुरूरीगा देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिका थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हर्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बान इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवर्ट के रोज का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे पांकोले अपना रोल वाकंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर में भी काम किया हुआ है तो वहां से ये रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एमसीवर्स का हिस्सा है फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म क्रॉस ओवर करते हुए नजर आएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एमसीूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कहानी को काफी बढ़िया तरीके से छोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमाटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर कपाव ने किए हुए एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कम

अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहां पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था ग्यारह नवम्बर दो को यू में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज़ किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी जी आई उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो हज़ार पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर लिखा हुआ है उसकी जगह

को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रोड़ पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह तो से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवंबर दो नवंबर दो में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पर बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका अबकतावन नज़र आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म की ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मूवमेंट है उसको और भी शानदार चार है जिस से फिल्म का स्कोर, फिल्म को काफी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस आखिर में, एंड में, क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहां पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहां से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से एक क्रिएट किए हुए थी जिसमें जो वीवेफ है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो आर्टिस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई तो इस वजह से ये सभी चीजें काफी वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखांडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वेल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में इससे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं फिल्म है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टैनली और जेक किरबी की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्लेयर रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्लेडिक्शन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इज स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटी या ब्रिगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डने गुरी का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड के रोज का प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है बांकले, टेनिस, पानी। अपना रिवर ट्राइब से हुए नजर आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉसओवर करते हुए नजर आएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यू यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमेटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर्क पाव ने की हुई एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरन्थ का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर दो सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को छब्बीस अक्टूबर दो को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था ग्यारह नवंबर दो को यू में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स लिपिक्स ए सी जी आई उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन है वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर एवर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो हज़ार इक्कीस के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवम्बर दो नवंबर दो हज़ार में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पे बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका आपकातावा नज़र आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो डिजनी प्लस होस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह से सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मूवमेंट है उसको और भी चार चांद लगाते फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाज़ा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहाँ से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए थी जिसमें जो वी एफ एक्स है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई है तो इस वजह से ये सभी काफी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉरवर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज़ के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यू यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यू यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक किरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्लेयर रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्लेयर डरेक्शन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है ये एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटी या ब्रिगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डने गोरीगा देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हर्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवर्ट के रोस का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको ईसाक डे डोरो स्टील टेनिस पानी अपना रोल वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है ये फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमाटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर कपाव ने किए हुए एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहां पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था ग्यारह नवंबर दो को यू में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी जी आई उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म के की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी तो उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज़ की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कम्प्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह तो से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवम्बर दो नवंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पर बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका हुआ नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस होटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पर फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टार स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और ट्रांस देखने को मिलते उसको काफी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और ट्रंस और जो थ्रिलिंग मूवमेंट थे उसको और भी चार चांद लगाते फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमैक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहाँ से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुई थी जिसमें जो वी है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते है कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली ऐड हुई है तो इस वजह से ये सभी काफी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखांडा फॉर एवर ये एक दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वेल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वॉल्ट डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं फिल्म है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यू यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यू यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्ले रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्ले डन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रिगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डने का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाकू के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पर इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड के रोज का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट हैं एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे पांकोले डोरो स्टील टेनिस पानी अपना रोल वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहां से ये रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है ये फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नजर आएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यू यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कहानी को काफी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमेटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर्क पाव ने की हुई एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वर्ल्ड डिज स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू एस सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर दो हजार छब्बीस सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को छब्बीस अक्टूबर दो हजार बाईस को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था ग्यारह नवंबर दो हजार बाईस को यू एस में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो थ्रिल स्टूडियो जैसे स्टार्ट किया गया था उन्तीस जून दो हजार इक्कीस जहां पर फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो थार ब्रेकंडा लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो हजार इक्कीस के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लो, लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला के रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कम्प्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून दो में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रोड प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूज़िक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पे बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका तावन नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस होटस्टार के ही पास है जब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा अगर रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह से सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मूवमेंट थे उसको और भी चार चांद लगाते हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाज़ा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहाँ से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए थे जिसमें जो वी एफ है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से एड किए हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई है तो इस वजह से ये सभी काफी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉरवर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में इससे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक किरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्लेयर रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्रोडिक्शन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटी या ब्रीगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विंस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हर्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड केरोस का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे पांकोले डोरो स्टील टेनिस पानी अपना रोल वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है ये फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमेटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर कपाव ने की हुई एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरन्थ का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 11 नंबर 2022 को यूएस में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी जी आई उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन है वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर एवर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में इस फ़िल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवम्बर दो नवंबर दो हज़ार में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पे बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका तावन नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते उसको काफी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मोमेंट है और भी चार चांद लगाते हैं फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमैक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहाँ से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए थे जिसमें जो वी है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते है कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली ऐड हुई है तो इस वजह से ये सभी काफी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वेल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस इससे फिल्मे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं फिल्म है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यू यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यू यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्ले रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्ले डन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे ब्रिगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डनेंगी का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विंस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाकू के रोल में साथ ही में डोमिंग थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड केरोस का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा एडिशनली आपको एडिशनलीसा डे अपना रोल वाकंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे हुए नजर आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एमसीवर्स का हिस्सा है फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म क्रॉस ओवर करते हुए नजर आएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एमसीूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहां पे कहानी को काफी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमेटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर कपाव ने किए हुए एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लुडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू एस सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर दो हजार छब्बीस सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को छब्बीस अक्टूबर दो हजार बाईस को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था ग्यारह नवम्बर दो हजार बाईस को यू एस में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पर सिकवल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग दो और अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी जी आई उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर एवर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रोट, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह तो से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवंबर दो नवंबर दो में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पर बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका कतावन नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ राइट्स है वो डिजनी प्लस होटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मूवमेंट थे उसको और भी चार चांद लगाते हैं इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहां से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी जिसमें जो वी है जो ग्राफिक्स है जो सीजें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते हैं कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से एड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई है तो इस वजह से सभी चीजें काफी ब्यूटीफुल में हमारे सामने पेश की जाती जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है। वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉरेवर ये एक दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिकवर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में इससे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं फिल्म है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टैनली और जेक किरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्लेयर रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन डायरेक्शन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इज स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटी लेटिल आवरीगाट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डने का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड के रोज का प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे बांकले, डोर स्टील टेनिस पानी अपना रोल वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है ये फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमाटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर्क पाउ ने किए हुई एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहां पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था ग्यारह नव्बर दो को यू में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज़ हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज़ हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था 29 जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च 2021 के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी लो सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में इस फ़िल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रॉडपोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहां पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवम्बर दो नवंबर दो हज़ार में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका कतान नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजुअल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह से सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते उसको काफी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको और भी चार चांद लगाते फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहाँ से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुई थी जिसमें जो वी है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टांस देखने को मिलते है कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुल ऐड हुई है तो इस वजह से ये सभी काफ़ी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वॉल्ट डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्म इससे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं फिल्म है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यू यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यू यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और किरबी की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्ले रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्रशन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटिल आवरीगाट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डने कंगी का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हर्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड केरोस का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे। इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे पंकोले डोरो स्टील टेनिस पानी अपना रोल वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है ये फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कहानी को काफी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमाटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर कपाव ने की हुए एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहां पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था ग्यारह नवंबर दो को यूएस में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो अट्ठारह फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज़ हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग दो और अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्स ए सी जी आई उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन है वो एटलांटा थ्रिल्थ स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर एवर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइनटीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रोट, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह तो से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवंबर दो नवंबर दो में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पर बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका अबकतावन नज़र आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ राइट्स है वो डिजनी प्लस होस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म की ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मूवमेंट है उसको और भी चार चांद लगाते फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से ये फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहां से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से एक क्रिएट किए हुए थे जिसमें जो वी एफ एक्स है जोग्राफिक्स है जो चीज़ें है, है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो आर्टिस्ट और डांस देखने को मिलते कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई है तो इस वजह से ये सभी चीज़ें काफ़ी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वॉल्ट डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और यह तीसवीं फिल्म है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक किरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्ले रॉयन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्रोडिक्सन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इज स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटी लेटिलीगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डने कंगी का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिका थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हर्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवर्ड रोज का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको रो टेनिस, पानी। अपना रोल वाकंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे हुए नजर आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एमसीवर्स का हिस्सा है यह फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नजर आएंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एमसीवर्स के लिए कितनी है जहाँ पे कहानी को काफी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमेटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम हुए एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर दो सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को छब्बीस अक्टूबर दो को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था ग्यारह नंबर दो को यू में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो हज़ार पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर लिखा हुआ है उसकी जगह ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी सीरीज मार्वल वालों ने लाके रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहां पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रोड़, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह तो से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सितंबर 2021 में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवंबर दो नवंबर दो में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पर बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से अपकर्ता हुआ नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ राइट्स है वो डिजनी प्लस होटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पर कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म की ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मोमेंट है उसको और भी चार चांद लगाते हैं इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहां पर उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहाँ से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुई थी जिसमें जो वी एफ एक्स है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से एड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई है तो इस वजह से ये सभी चीजें काफी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉरेवर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज़ के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वेल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वॉल्ट डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं फिल्म है और जो फेस फोर आ रहे एम सी यू यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यू यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टैनली और जेक जेकिरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्लेयर रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पर इस फिल्म को डिरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्रोडिक्सन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड इज स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटी या ब्रिगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डनेंगी का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड के रोज का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको ईसाक डे बाज स्टील टेनिस पानी अपना रोल वाकंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यू यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निक डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमेटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर कपाव ने किए हुए एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 11 नवम्बर 2022 को यूएस में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज़ किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग दो और अर्ली ट्वेंटी में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी जी आई उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन है वो एटलांटा थ्रिल्थ स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर एवर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे प्रॉडपोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवम्बर दो हजार नवंबर दो में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका हुआ नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते उसको काफी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म की ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मूवमेंट है उसको और भी चार चांद लगाते फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहाँ से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए थे जिसमें जो वी है जो ग्राफिक्स है जो चीजें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो आर्टिस्ट और टांस देखने को मिलते कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली ऐड हुई है तो इस वजह से ये सभी काफी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक दो की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वेल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वॉल्ट डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में इससे उनतीस फिल्म इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं फिल्म है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक किरबी की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी क्रिएट की उसके ऊपर स्क्रीन प्ले रायन कोगलर और जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्ले डन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटिलिया या ब्रिगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डनेंगी का देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा ने इस फिल्म में ए यू वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पे इस फिल्म में माइकल कॉल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवर्ड रोज का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रामुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे बांकोले डोरो स्टील टेनिस पानी अपना रोल वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है ये फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमाटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर्क पाउ ने की हुई एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर दो सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को छब्बीस अक्टूबर दो को हॉलीवुड में रिलीज किया गया था ग्यारह नवंबर दो को यू में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज़ किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत... इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो जहाँ पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर लिखा हुआ है उसकी जगह समर ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया मार्च दो के आसपास उसकी डेथ हुई थी तो उसके बाद में फिल्म को लेट स्टार्ट किया गया उसकी वजह से फिल्म के बाद में जो रिलीज डेट थी वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी लो, सीरीज मार्वल वालों ने ला रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कम्प्लीट करवाया गया था और उसके में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह तो से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सितंबर 2021 में लुडविंग गोरेंस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवंबर दो नवंबर दो में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पर बिल्कुल फिल्म में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफी बढ़िया तरीके से आपका अबकता नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ टी टी राइट है वो डिजनी प्लस होटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वी एफ एक्स विजल इफेक्ट के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह से सभी चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते उसको काफ़ी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और टर्न्स और जो थ्रिलिंग मूवमेंट है उसको और भी चार चांद लगाते फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर को काफ़ी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहाँ से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से एक क्रिएट किए हुए थे जिसमें जो वी एफ एक्स है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें हैं उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम सी यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली एड हुई है तो इस वजह से ये सभी काफी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉरवर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज़ के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एवर ये एक 2022 की अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल्स की कॉमिक्स आती है उसमें जो एक किरदार है ब्लैक पेंथर उसी के ऊपर इस फिल्म की कहानी सेट की हुई है वैसे फिल्म को प्रोड्यूस भी मार्वल स्टूडियो ने ही किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ वर्ल्ड डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने हालांकि ये फिल्म 2018 की जो ब्लैक पेंथर फिल्म आई हुई थी उसका ऑफिशियल सिक्वर है और ये करीबन तीसवीं फिल्म होगी थर्टीथ फिल्म मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तो करीबन तीस फिल्में इससे उनतीस फिल्में इससे पहले आ चुकी है एम सी यू यूनिवर्स में तो और ये तीसवीं है और जो फेस फोर आ रहे हैं एम सी यू यूनिवर्स का उसकी ये फाइनल फिल्म है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो एम सी यू यूनिवर्स है उसको कितने बड़े लेवल पे किस तरह से क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डायरेक्टर एक्टर ने ट्राई की हुई है इस फिल्म का जो स्टोरी है वो रायन कोगलर ने लिखा हुआ है जो ब्लैक पेंथर स्टेनली और जेक किरबिक की वो कॉमिक बुक थी उसके ऊपर से उन्होंने स्टोरी तो क्रिएट की उसके तो ऊपर स्क्रीन तो प्ले रायन कोगलर और जो, जो रॉबर्ट कॉल ने किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रैन कोगलर ने तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया गया है वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है केविन फेग और नेटे मोर ने और जिन्होंने इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ है ये एक हाई बजट फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर है मार्वल स्टूडियो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड के फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे लेटिल या ब्रिगा ट्राइट जिन्होंने सूरी का रोल प्ले किया हुआ है जो वाकांडा की प्रिंसेस है इसके अलावा लुपिटा न्योगनो ने इस फिल्म में नाकिया का रोल प्ले किया हुआ है एक इसके अलावा डनेकुरिगा देखने को मिलेगी ओकाई के रोल में साथ ही में विंस्टोन ड्यूक आपको देखने को मिलेंगे एम बाको के रोल में साथ ही में डोमिक थ्रोन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे रीरी विलियम्स और आयन हार्ट के रोल में हार्ट के रोल में वहीं पे फ्लोरेंस कुसुम्बा इस फिल्म में ए वाई का रोल प्ले किया हुआ है जो सेकंड इन कमांड के डोरा मिलज के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर है वहीं पर इस फिल्म में माइकल कोल अनेका के रोल में दिखाई देंगे जो वाकंडा के वॉरियर है इसके अलावा टेनोक ह्यूट्रा आपको इस फिल्म में नमोर के रोल में दिखाई देंगे मार्टिन फ्रीमन ने इस फिल्म में एवॉर्ड के रोज का रोल प्ले किया हुआ है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट है एंजेला बसेट भी आपको रमुंडा के रोल में दिखाई देंगे इसके अलावा एडिशनली आपको इसाक डे बांकोले डोरो स्टील टेनिस पानी rol वाखंडा रिवर ट्राइब से रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे और मर्चेंट ट्राइब और बॉर्डर ट्राइब एल्डर्स में भी काम किया हुआ है तो वहाँ से ये रोल रिप्राइज करते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा भी दूसरे भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि एम सी यूनिवर्स का हिस्सा है ये फिल्म तो इस वजह से दूसरे फिल्मों के भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में क्रॉस ओवर करते हुए नज़र आएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म एम सी यूनिवर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कहानी को काफ़ी बढ़िया तरीके से जोड़ा हुआ है अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निक ल डिपार्टमेंट के ऊपर तो वो सिनेमेटोग्राफी से स्टार्ट करते ऑटम डोरल्ड आर कपाव ने किए हुए एडिटिंग माइकल पी सोवेयर केली डिक्सन और जेनिफर लेम ने किए हुए फिल्म का रन टाइम करीबन एक सौ इकसठ मिनट रखा हुआ है यानी कि दो घंटे इकतालीस मिनट की एक बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म के साथ जो म्यूजिक दिया हुआ है वो है लूडविंग गोरंसोन का जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तो वह वो वर्ल्ड स्टूडियो मोशन पिक्चर्स सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन्होंने वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को अक्टूबर 2026 सॉरी जहाँ पे इस फिल्म को 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड में रिलीज़ किया गया था 11 नंबर 2022 को यूएस में इस फिल्म को अवेलेबल रिलीज करवाया गया है जहाँ पे उसके साथ साथ इस फिल्म को दूसरे सभी देश में दूसरे सभी वर्जन में भी रिलीज किया गया है जिसमें हिंदी भी शामिल है तो इस तरह से इत, इस तरह से सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो 18 फरवरी ब्लैक पेंथर जब रिलीज हुई थी तब 2018 में फरवरी मंथ में जब ब्लैक पेंथर रिलीज हुई थी जब उसका एक एंडिंग रखा हुआ था वहाँ पे उन्होंने इस तरह से फिल्म को सेट किया हुआ था जहाँ पे सिक्वल आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद में क्रिएटिव टीम ने मिलकर इसमें काफ़ी काम किया और इस फिल्म के सिक्वल के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी बनाया गया था फिल्म की शूटिंग 2019 और अर्ली 2020 में स्टार्ट की गई थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी पोस्टपोन की गई थी उसके बाद में मार्च 2021 में इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के ऊपर भी डीप में काम किया गया था विजुअल इफेक्ट्स ए सी जी आई उसके ऊपर भी डीप में काम किया गया था फिल्म का प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन वो एटलांटा थ्रिल स्टूडियो जो जैसे स्टार्ट किया गया था उनतीस जून दो हज़ार पे फिल्म का वर्किंग टाइटल था समर ब्रेक जो वाकांडा फोर लिखा हुआ है उसकी जगह और ब्रेक लिखा हुआ आता लेकिन जो बॉसमैन की डेथ हुई उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग को थोड़ा लेट किया गया। दो के थी, वो थोड़ी चेंज की गई और उसके बाद में इस फिल्म को डिजनी प्लस के साथ एक लोकी -लो सीरीज मार्वल वालों ने लाके रिलीज की हुई थी और बाद में इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया जहां पे कोविड नाइन्टीन को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिल्म को कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन जून 2022 में स्टार्ट किया हुआ था और एक लंबे पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाते हुए सेंसर बोर्ड की तरफ से सेंसर करवाते हुए थिएटर रिलीज़ करवाई गई थी जहाँ पे हिंदी इंग्लिश ये सभी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंग्लिश मेन वर्जन था बाकी सभी डब्ड वर्जन थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में सेप्टेम्बर दो में लुडविंग गोरस का नाम आया हुआ था कि वो इस फिल्म में अपना बैकग्राउंड स्कोर कम्पोज करते हुए नजर आएंगे जहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड रिकॉर्ड्स में नवम्बर दो हज़ार नवंबर दो हज़ार बाईस में इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को रिलीज़ करवाया हुआ था तो फिलहाल मैं आपको ये बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएगा इसके अलावा इस फिल्म का जिस तरह बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है जो सीन देखने को मिलते हैं उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका तावन नजर आता है तो इस तरह से इस फिल्म में म्यूजिक का काम देखने को मिलता है फिल्म को रिलीज किया गया तब काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़िया कलेक्शन करके दिखाया हुआ है फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ही पास है तब देखते हैं कि इस फिल्म को वो कब तक अपने यूट्यूब चैनल सॉरी अपने ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाएंगे फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बढ़िया कलेक्शन लेने में हासिल होगी जहाँ पे इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जिसकी वजह से जो क्रिटिक्स ऑडियंस का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है फिल्म को एक बड़े लेवल पे कन्वर्ट करने में कामयाब रहा है अब इस फिल्म को जब क्रिएट किया जा रहा था जिस तरह से जो कैरेक्टर तैयार किए हुए थे उसमें डायरेक्टर ने जिस तरह से स्क्रीन प्ले में सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो बढ़िया है प्रोडक्शन वैल्यू तो वैसे ही फिल्म की हाई थी जो आर्ट डायरेक्शन है वीएफएक्स विजुअल एक्स के साथ साथ सी जी आई फिल्म की स्टार स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेज जो कहानी है उसको जिस तरह से कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से सभी चीजों को क्रिएट करके दिखाया हुआ है जो ट्विस्ट और ट्रंस देखने को मिलते उसको काफी बाखूबी तरीके से बढ़िया तरीके से काफी ब्यूटीफुल मैनर में दिखाया हुआ है फिल्म के ट्विस्ट और ट्रंस और जो थ्रिलिंग मूवमेंट उसको और भी चार चांद लगाते फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इतना शानदार है जिस वजह से फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को काफी हाई लेवल पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है और इस फिल्म को जिस तरह से आखिर में एंड में क्लाइमेक्स में छोड़ा हुआ है इससे अंदाजा लगेगा कि इस फिल्म का एक और पार्ट आने वाला है जहाँ पे उस टाइप का उन्होंने एक एंड रखा हुआ है क्योंकि भविष्य में कभी भी उनको इसके ऊपर कोई आगे कहानी डेवलप करनी हो तो वहां से वो अधूरे पार्ट से वो कहानी डेवलप कर सकते हैं तो इस फिल्म का जो आर्ट डायरेक्शन है प्रोडक्शन वैल्यू है जिस तरह से हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किए हुए थी जिसमें जो वी है जो ग्राफिक्स है जो चीज़ें है उसका जो काम देखने को मिलता है फिल्म में जो ट्विस्ट और टर्स देखने को मिलते है कहानी को जिस तरह से पहले पार्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है एम यूनिवर्स के साथ जिस तरह से कनेक्ट करते हुए दूसरे किरदार को इसमें दिखाया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी आसानी से काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐड की हुई है ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सभी चीज़ें फोर्सफुली ऐड हुई हैं तो इस वजह से ये सभी चीज़ें काफ़ी ब्यूटीफुल वे में हमारे सामने पेश की जाती है जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट की हुई है स्टोरी को जिस तरह से डेवलप किया जाता है जिस तरह से इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है सेकंड हाफ के लिए जो एक उत्सुकता बनी रहती है बाद में क्लाइमेक्स को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ है जो पोस्ट क्रेडिक सीन डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो इस वजह से ब्लैक पेंथर वाखंडा फॉर एक मस्ट वॉचेबल फिल्म साबित होती है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए अब ये फिल्म आपको थिएटर रिलीज़ के थोड़े लंबे समय के बाद ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी जिसको आप ऑफिशियली एन्जॉय कर पाओगे तो बस गैज इस फिल्म के रिगार्डिंग इतनी ही अपडेट थी आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू